इस पृथ्वी पर हम सब परमात्मा के फूल हैं, जिसमें परमात्मा ने विभिन्न प्रकार के रंग डाले हैं, तो फिर विरोध कैसा? कोई भी लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए रेड बटन को दबाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश उपाध्याय करता हूं आपका बहुत बहुत स्वागत आपके ही अपने चैनल अमेजिंग पॉइंट में। दोस्तों, आपने कुछ दिन पहले न्यूज़ सुनी होगी कि एटीएम कार्ड होने जा रहे हैं बंद। जी हाँ दोस्तों, आपने सुना होगा कि एटीएम कार्ड बंद होने वाले हैं, वो जिनमें कि चिप नहीं है, जो ईएमवी वाले कार्ड नहीं है वो होने वाले हैं बंद। और उसकी जो लास्ट डेट थी वो थी 31 दिसंबर 2018, जो कि जा चुकी है। आज है 1 जनवरी और आज से दोस्तों वो पुराने कार्ड हो चुके हैं बिल्कुल बंद। तो एक डेट दी थी आरबीआई ने कि इस डेट तक सभी बैंक अपने कार्ड बदल दें और कस्टमर भी इस डेट तक अपने एटीएम कार्ड बदलवा लें, नहीं तो उनके कार्ड हो जाएंगे बंद। और दोस्तों आज 1 जनवरी से वो हो चुके हैं बंद। दोस्तों, आपका कार्ड कौन सा है ये आप पहचान सकते हैं। हर कार्ड में एक नीचे स्ट्रिप लगी होती है ब्लैक कलर की, उसमें साथ में लगी होती है एक चिप, जिसमें जो सिम की तरह होती है आपकी। दोस्तों, अगर आपके कार्ड में वो सिम नहीं है, वो सिम टाइप की अगर चिप नहीं है, तो दोस्तों आपका कार्ड समझिए नॉर्मल कार्ड है, जो कि हो चुका होगा अब तक बंद। अगर आपके कार्ड में चिप लगी हुई है तो आपको बदलवाने की उसे कोई भी ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, SBI अपने कस्टमरों का कार्ड फ्री में बदल रही है, उसके लिए आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं और अपने मोबाइल ऐप से भी कर सकते हैं। उसको वहाँ पर जाने के लिए आपको ई सर्विस में जाना पड़ेगा, और यह आप जाके ब्रांच में भी बदलवा सकते हैं एक फॉर्म भर के। दोस्तों तो दोस्तों अगर आपका भी कार्ड चिप वाला नहीं है तो आप बदलवा लीजिए उसे, अब तक शायद वो बंद भी हो चुका होगा। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो दूसरों में शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।